वेलकम टू ट्रागवे साथ दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला है यूपी पीएससी की तरफ से जारी किए गए दो भर्तियों के नोटिस के बारे में। दो ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए हैं, फिर 2022 एग्जाम पोस्टपोन हो गया है और जो बोला था वैसे ही वो AGTA वालों के लिए गुड न्यूज, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, सुबह मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग देख सकते हैं चैनल पर, और मैंने बताया था आज जो है आयोग में मीटिंग है और मीटिंग के बाद आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। तो ये रिजल्ट पहले ही जारी किया जाने वाला था पिछले हफ्ता, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये एक हफ्ता लगभग डिले हो गया रिजल्ट। तो आज फाइनली आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो मैंने पहले ही जानकारी दे दी थी आप लोगों को, आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं मेरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से। 6 अगस्त 2022 की डेट पड़ी हुई है। विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा, इसमें कितने फॉर्म आए थे, कितनी वैकेंसी थी, यही सब कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये देखिए रिजल्ट रोल नंबर वाइज आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लें कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित की कट ऑफ 50 गई है और अनुसूचित जाति की 35 गई है, अनुसूचित जनजाति की 13.75 गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 42, EWS की 3 कट ऑफ गई है सिर्फ। इसके बाद यहाँ पे क्षेत्रीय आरक्षण की कट ऑफ दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं दूसरे ऑफिशियल नोटिस के बारे में, पेट एग्जाम आप 2022 आप लोगों का पोस्टपोन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है UPSSC की तरफ से, 6 अगस्त डेट पड़ी हुई है। विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2022 प्रारंभिक अर्थात परीक्षा पेट 2022 जो है 18 सितंबर को था, ये अब पोस्टपोन करके आप लोगों का एग्ज़ाम ये 15 और 16 अक्टूबर दो दिन को होगा, ये शुक्रवार एवं रविवार को किया जाना प्रस्तावित है। मैंने पहले वीडियो बना के जानकारी दी थी कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है दो दिन होगा, मतलब पोस्टपोन हो जाएगा, और मैंने ये भी बोला था जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता तो आप लोग चेक, यही मान के चलिए 18 सितंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये लगभग एक महीना एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है और यहाँ पे ऑफिशियल डेट दे दी गई है, ऑफिशियल नोटिस आप लोगों को दिखा दिया मैंने। तो जो लोग पहले ही मेरे वीडियो देखते हैं उनको, लोगों को रेगुलर जानकारी यहाँ पे मिलती रहती है, तो पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था क्योंकि न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकल के आई थी 5 से 6 महीने जो है इसमें रिजल्ट में लग जाएंगे, लगभग आधा साल लगेगा, ठीक है। तो आप लोग वो भी वीडियो जाके बैक पीछे चैनल में दिखा देख सकते हैं मेरा। और इसके अलावा बात करें AGTA वालों के लिए गुड न्यूज़, तो यहाँ पे कल धरना प्रदर्शन हुआ था और छात्रों को बोला गया था कि ANM का रिजल्ट के बाद AGTA का ही काम किया जाएगा। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं ANM का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो आयोग के पास जो है थोड़ा समय है और PET की तैयारी भी करनी है उनको एग्ज़ाम के लिए। और इसके अलावा अब AGTA का जो विज्ञापन है उस पर काम जोर शोर से स्टार्ट हो जाएगा और जल्द से जल्द आप लोगों का विज्ञापन जो है बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा और हो सकता है 20-25 अगस्त के आसपास ही आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद आयोग जो है वो PET में लग जाएगा। PET की तैयारी, PET एग्ज़ाम करवाना है आयोग को, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म आए हैं, काफ़ी ज़्यादा काम है इस बार। और इसके अलावा आयोग को एक और विज्ञापन देना है PET 2021 से ही अकाउंटेंट का या फिर जूनियर असिस्टेंट का आने को है, उनमें से बाद में आएगा तो वो डिसाइड कर लेगा आयोग, और कोई सूचना मिलेगी तो मैं आप लोगों को खुद बता दूंगा। लेकिन AGTA का विज्ञापन पहले नंबर पर आ रहा है और अब इसका काम जोर शोर से स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आप लोगों को AGTA का विज्ञापन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं आप लोग पूरी जानकारी समझ गए होंगे। तो ऐसे वीडियो अपने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।